ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर एसपी पब्लिक पुलिस मैत्री संबंध को प्रगाढ़ करने के वास्ते एक अभियान चला रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान भोजपुर एसपी ने कहा कि आज के आधुनिक युग में मोबाइल जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आए दिन चोर तथा उचक्कों द्वारा मोबाइल चोरी तथा छिनैती किए जा रहे थे। इसके लिए एक टीम गठित कर चोरों तथा मोबाइल को बरामद किया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व चंदन कुमार कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि अब तक 30 मोबाइल हैंडसेट विभिन्न स्थलों से बरामद किया गया है तथा जिनका मोबाइल हैंडसेट है उन्हें कार्यालय बुलाकर सुपुर्द किया जा रहा है। जो भी पिछले एक साल में मोबाइल चोरी हुई है, मोबाइल खो गए हैं, मोबाइल गायब हो गए हैं, या जीवन चिंता की घटना में मोबाइल जो गए हुए हैं, उन पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के नाते हम मोबाइल को बरामद करके हम लोग पब्लिक को सौंप रहे हैं। इसी क्रम में एक विशेष टीम बनाई गई है टाउन थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जिसमें चंदन कुमार सब इंस्पेक्टर कमिश्नर हैं, प्रशांत कुमार हैं, दीपक कुमार हैं और राजीव कुमार हैं। ये लोग इन सब फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन जो पब्लिक के फ़ोन हैं जो चोरी हुए हैं गुमशुदा हो गए उन फोन की सूची सब सभी थाना से प्राप्त करते हैं और फिर टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर उन फोन्स को बरामद करने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने करीब 30 फोन के आसपास बरामद किए हैं जो उन पब्लिक को बुलाकर जिनका फ़ोन है उनका पता कर उनको बुलाकर उन्हीं को आज कार्यक्रम का करते हुए उन लोगों को हम लोगों ने फ़ोन दिए। करीब 20 फोन हम लोगों ने बरामद किए उसको दिया और ये अभियान लगातार चलता रहे। तो मेरा अनुरोध है कि जिला में जिसका भी फोन चोरी हो जाता है या गुमशुदा हो जाता है या गिर जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने को अवश्य दें, थाने में उसकी एंट्री होगी और उसके बाद हमारी विशेष टीम लगातार इस काम में रहेगी, उन फोन को बरामद करने का काम करेगी। एक अच्छे अभियान के लिए इन चारों सब इंस्पेक्टर कमिश्नर्स को हम लोगों की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी लोग अपने मोबाइल फ़ोन, चूँकि आजकल मोबाइल एक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, मोबाइल में बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, फोटोज़ होते हैं, लोगों के अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मोबाइल का चोरी हो जाना भी लोगों के लिए उतना ही घातक है जितना कि अन्य वस्तुओं का चोरी हो जाए। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि जो भी मोबाइल चोरी हो जाए या गायब हो जाए या गुमशुदा हो जाए उनको अधिक से अधिक बरामद करके लोगों को दिया जाए और पुलिस की जो छवि है उसमें सुधार लाने का प्रयास करें।